नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग और मैं हूं अंकुर तिवारी। दोस्तों, वैक्सीनेटर के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले एक पोस्ट किया था जिसमें आपको मैंने वैक्सीनेटर के भर्ती के बारे में बताया था। तो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया उस वीडियो को और बहुत चीजें और भी जानकारी हमसे पूछी, जैसे कि सैलरी, उम्र सीमा और ये सरकारी होते हैं या प्राइवेट होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे और तो उन्हीं चीजों पर मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको और दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी वैक्सीनेटर हैं या वैक्सीनेटर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर वैक्सीनेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी भर्ती आ चुकी है और इसमें जो है इसके लिए आपको क्या करना होगा वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लाल कलर वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और घंटी बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो है जो भी नोटिफिकेशन हो हमारा और भी इससे रिलेटेड आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस भर्ती में क्या है कि इस भर्ती के पीछे सरकार की मंशा ये रही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और जो भी पशु इधर उधर आवारा घूम रहे हैं उनकी टैगिंग हो जाएगी और भी टीकाकरण हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और इससे एक देश में कितने पशु आवारा घूम रहे हैं, कितने पशु हैं, सारी चीजें जो है सरकार को जानकारी मिल जाएगी। तो इस भर्ती में मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम सभा में 1000 पशुओं पर एक सहायक और एक वैक्सीनेटर की भर्ती होनी है, जिनमें अब उसके बाद में जिनमें जो है हाई स्कूल उनको पास होना अनिवार्य है। उसके बाद में हाई स्कूल के बाद में आपको जो है उम्र सीमा की बात मैं बताना चाहूंगा। उम्र जो होनी चाहिए वो 55 साल के अंदर होनी चाहिए। 18 साल से 55 साल का कोई भी व्यक्ति जो है इसके लिए पात्र हो सकता है। और अब बात करते हैं हम मुख्य पॉइंट की, सैलरी कितना मिलेगी। तो दोस्तों, सैलरी इसमें कुछ निर्धारित नहीं है, ये जो है संविदा पर लोग होंगे और जो भी सैलरी मिलेगी वो 3 रुपये प्रति पशु के हिसाब से जो है दी जाएगी। अगर आप किसी गांव में जाते हैं और 100 पशुओं को आप टीकाकरण करते हैं तो आपको 300 रुपये मिल जाएगा। इसी तरह से जो है आपकी सैलरी होगी और वो आपके बैंक अकाउंट में आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी भर्ती कैसे होगी। भर्ती जो है आप ग्राम सभा में खुली भर्ती के हिसाब से भर्ती होनी है ग्राम सभा स्तर पर। उसमें ग्राम सभा के सभी लोग, प्रधान और भी जो भी मनोनीत सदस्य होंगे वो रहेंगे, साथ में ही पशुपालन विभाग के जो भी अधिकारी हैं, मुख्य डॉक्टर जो भी होंगे वो रहेंगे, तो वही लोग आपका जो है चयन करेंगे। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही, जैसे आप गांव एरिया से हैं तो बहुत ही अच्छा जॉब है जो है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड अगर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी बात अगर निकल के सामने आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। और इसके लिए आपको निःशुल्क है, कुछ भी करना नहीं है। आप जो भी रेड कलर का बेल आइकन, घंटी और भी लाइक का बटन जो भी आ रहा है सबको आप दबा दीजिए और हमसे आप जुड़ जाइए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी जो है मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब लेकर के। आप तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। मैं अंकुर तिवारी अमेठी से फिर लेता हूं आपसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में।